एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर दे आर रेस्पेक्टिंग द टीचर बाय स्टैंडिंग ऑन द डेस्क. वेरी नाइस वेरी नाइस. सिट डाउन प्लीज सिट डाउन. बट इफ आई एम ऑडिबल प्लीज वेव योर राइट हैंड वंस वंस. इफ आई एम ऑडिबल इन योर क्लास सो वेरी गुड वेरी गुड. सो दैट दैट मीन्स आई एम ऑडिबल इन ऑल क्लासेस आई हैव सीन. बट आई प्राइमरी विल आस्क सेवंथ एफ. बट सेवंथ एफ एम आई ऑडिबल सेवंथ एफ. ओके सो सेवंथ एफ और सेवंथ ए स्टूडेंट्स प्लीज सेटल डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल. एंड सेवंथ सी स्टूडेंट्स कैमरा इज नॉट ऑन. बच्चे कैन यू कैन समबडी गो इन सेवंथ सी इफ इट इज नियर. कैमरा इज ऑन नाउ एंड माइक इज ऑल्सो ऑफ इन सेवंथ सी. प्लीज स्विच ऑन योर माइक सेवंथ सी. आपने कुछ बेटे सेवंथ सी में जो कैमरा है वो मेरी तरफ ही कर रखा है. वो क्लास की तरफ करो कैमरा. मेरे को क्लास नहीं दिख रही. सेवंथ सी का जो कैमरा है दैट शुड बी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स. और सेवंथ सी इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्विच ऑन देयर माइक ऑल्सो. Everybody, please settle down. Seventh F students are still standing. Seventh A students are standing. Okay, so today's we will continue with the same topic. What is the topic? Spherical mirrors. Who is going to teach you? Faculty Dheeraj Vashisht. From where you are being taught online by K Education. Bete, before we proceed further, we will have a quick review of the terms last time discussed. Everybody should be ready with a notebook. Put the notebook on the table and write down the heading Spherical Mirrors Continued with the date, with today's date. Today is 10th. Spherical Mirrors Continued. बेटे सेवंथ ए में बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे. पता नहीं क्या बात है. सेवंथ ए प्लीज सिट डाउन. ओके So let's start. Please pay your attention to the teacher. Look here, bete. I have drawn a figure. This is a sphere, not circle. Sphere, 3D diagram. So I have written certain alphabets. C, I, O, F, R, small f, U, V, M, F1 and F2. Can anybody tell me out of the one and two figures I have cut from the sphere? One figure is cut from here, two figure is cut from here, and they are polished. Can anybody tell me which of the two, one and two, is the convex mirror? Which is going to be the convex mirror? One and Two. Shabash, shabash, very good. Two is going to be convex. Who will tell me that in the concave mirror, yellow side is polished or arrow white side is polished? Which side is polished? Yellow arrow or white arrow? Which side is silver polished? Shabash, in the figure one, which is a concave mirror, I am asking. Let me ask a particular student, Gurleen, seventh E. मैम Seventh E, बेटे, इसमें से कौन सा साइड पॉलिश्ड है? येलो एरो वाला या व्हाइट एरो वाला? सिल्वर पॉलिश्ड. आई
येलो एरो। येलो एरर, करेक्ट शाबाश। येलो एरर जो है पॉलिश्ड होता है और उसके अपोजिट साइड जो होती है व्हाइट एरो वाला, दैट इज योर शाइनिंग साइड। ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर। कौन बच्चा मेरे को बताएगा इनमें से, सेवंथ बी के दो बच्चे हैं हरबीर जस्मीन, सेवंथ बी हरबीर जस्मीन, दोनों में से कोई भी बच्चा मेरे को बोर्ड पर आके बताए माइक पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई कैपिटल इन द ब्रैकेट, आई कैपिटल आई। शाबाश, लास्ट टाइम भी डिस्कस। हरी अप, साइज साइज ऑफ इमेज। ऑफ द इमेज, वेरी गुड। सेकंड स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट हरवीर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ इन द रिटन इन द ब्रैकेट, ओ स्टैंड्स बिटे इन द ब्रैकेट, लास्ट टाइम भी डिस्कस्ड इसका मीनिंग क्या था। इफ यू हैव अटेंडेड द क्लास, देखो कितने बच्चों को पता है, पीछे मुड़ के देखो सभी, रेज योर हैंड्स इफ यू नो, इफ यू नो रेज योर हैंड्स, ओ इन द ब्रैकेट। हाँ बताओ बेटे, सेवंथ बी टेक द माइक एंड स्पीक आउट। साइज ही इज ट्राइंग टू टेक द हिंट फ्रॉम, हाँ यस गर्ल को दो, साइज हरबीर ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, शाबाश। आई स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ द इमेज, और हरबीर ने अच्छे से लेक्चर नहीं सुना बेटे कल। ओ स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, शाबाश सिट डाउन। हु विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एफ, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। नाउ आई वांट टू आस्क फ्रॉम हर्ष दीपक, सेवंथ एफ, सेवंथ एफ हर्ष दीपक प्लीज कम ऑन द माइक। इसके बाद तरनप्रीत, सेवंथ एफ, वो भी माइक पे आ जाए। पहले आएगा बच्चा हर्ष दीपक, उसके बाद तरनप्रीत, दोनों आ जाओ। हर्षप्रीत नहीं, हर्ष दीपक बेटे आप बता पाओगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉइंट पी। माइक पे आया नहीं, पोल, पोल। बिल्कुल सही, पी स्टैंड्स फॉर पोल, बहुत ही अच्छा। किसी भी स्फेरिकल मिरर की आर्क का सेंटर होता है। हाँ बेटे तरनप्रीत, योर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटर स्मॉल ए, स्मॉल ए। तरनप्रीत बेटे कल अगर लेक्चर अच्छे से सुना है, स्मॉल ए, टेक द माइक, अपर्चर। अपर्चर, शाबाश प्लीज सिट डाउन, अपर्चर। अब मेरे को चाहिए बच्चा सेवंथ ए में से दो बच्चे आ जाएं, आर्यन और जस्मीन, दोनों माइक पे आ जाएं। आर्यन जस्मीन सेवंथ ए बेटे, सेवंथ सी का माइक ना जो मेरी तरफ ही हो रखा है, मेरे को क्लास नहीं दिख रही, सेवंथ सी का माइक, सॉरी कैमरा जो है उसको क्लास की तरफ रोटेट करो, सेवंथ सी के कैमरे को स्टूडेंट्स की तरफ रोटेट करो, इसमें मेरी ही फोटो दिखी जा रही है बेटे, मैसेज कन्वे करो सेवंथ सी तक। ओके सेवंथ ए में आर्यन है माइक पे बेटे, योर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेटर सी, कैपिटल सी। आर्यन नॉट अवेलेबल, जस्मीन सेवंथ ए जस्मीन, बहुत से बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं उनको पता है, जस्मीन सेवंथ ए प्लीज कम माइक, नहीं आ रहे हैं। अच्छा सेवंथ जी में सबसे आगे बैठा है एक बच्चा, सेवंथ जी में बॉयज में, हाँ शाबाश शाबाश, तुम बताओ बेटे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश ब्रावो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर।
शाबाश, सारी क्लास का यूनैनिमस रेस्पॉन्स था रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब मेरे को पूछना है, सेवंथ ई में से दो बच्चे आ जाएं, सेवंथ ई, गुरलीन और अरुणप्रीत, माइक पे आ जाओ। सेवंथ ई, गुरलीन, अरुणप्रीत। फर्स्ट माई क्वेश्चन इज टू गुरलीन। बेटे गुरलीन बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय द सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ? फोकल फोकल लेंथ ऑफ द कर्व्ड मिरर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। फोकल लेंथ ऑफ द कर्व्ड मिरर। अब मेरा क्वेश्चन है अरुणप्रीत से। अरुणप्रीत बेटे माइक पे आओ और मेरे को बताओ, अगर एक से ज्यादा फोकस हो तो उनको कलेक्टिवली प्लूरल में क्या बोलते हैं, बहुवचन में क्या बोलते हैं? सिंगल हो तो उसको फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। एक से ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं? फोकाई। ओके शाबाश, फोकस का प्लूरल फोकाई। सिट डाउन। बहुत ही अच्छे से सुना लेक्चर आपने। अब मेरे को बच्चा आएगा सेवंथ एफ में डेविश, बेविश, और इसी क्लास में नमन। प्लीज कम ऑन द बाइक। सेवंथ एफ, बेविश, नमन। सब जी में है वो सर, वो जी जैक्सन हाँ चलो जो भी है। हाँ सेवंथ जी में, सॉरी सेवंथ जी में नमन और बेविश दोनों आ जाओ माइक पे। सेवंथ जी बेटे आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल एम? स्मॉल एम नहीं बता पाए। अच्छे से लेक्चर सुनना होता है बेटे, कोई कोई बच्चा मिस करता है। देखो इसी क्लास में एक और बच्चा है, नमन। नमन क्या बोला बेटे? एम का मीनिंग फिर से बोलो। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। आपका माइक थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, बट योर आंसर इज करेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन, वेरी गुड। लीनियर मैग्निफिकेशन, स्मॉल एम। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब मेरे को ये बच्चे चाहिए, कौन से? सेवंथ सी में हरलीन और एकमदीप। सेवंथ सी, हरलीन और एकमदीप। प्लीज कम ऑन द माइक। दोनों बच्चे माइक पे आ जाए। सेवंथ सी, एकमदीप, हरलीन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू हरलीन। हरलीन बेटे कैन यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल लेटर यू? स्मॉल लेटर यू स्फेरिकल मिरर में क्या? फिर से बोलो। माइक के पास बेटे, माइक को ऑन करने के बाद 5 सेकंड रुका करो, फिर बोला करो। सेवन सी में बच्चा मेरी तरफ फेस करे पहले तो अपना माइक उठा के, फिर आप बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल यू? देखो आप पढ़ के बता रहे हो बेटे कॉपी में से और बोल नहीं पा रहे, गलत बात है। आपको अच्छे से सुनना चाहिए था, रिवाइज करके आना चाहिए था। चलो कोई बात, कोई बात नहीं। आज लेक्चर बहुत अच्छे से सुनना आपने, इसीलिए रिवीजन कराना जरूरी होता है। अब एक बच्चा और है सेवंथ ए में, सेवंथ डी में, आंचल। सेवंथ डी, आंचल। प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे इसका मीनिंग क्या होएगा यू का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू? आंचल प्लीज कम ऑन द माइक। सेवंथ डी, नहीं तो अर्णव आ जाए। दोनों आ जाओ बच्चे। सेवंथ डी, अर्णव, आंचल, दोनों बच्चे प्लीज कम ऑन द माइक एंड टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर यू? बोलो बोलो, माइक ऑन करो और बोलो।
सेवंथ डी के टीचर प्लीज कॉपरेट करें मेरे को, बच्चा माइक पे आ नहीं रहा। अर्णव और आंचल में से कोई भी बच्चा बोले। बेटे आपकी आवाज नहीं सुन रही सेवंथ डी में बिल्कुल भी, माइक चेक करो अपना। चलो ये इनका माइक डिस्टर्ब लग रहा है मेरे को। कौन बच्चा बताएगा इसको, कॉन्फिडेंट कौन है? आ जाओ माइक पे। डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल। शाबाश, डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। सर हाँ जी बेटे, 7D का माइक नहीं चल रहा है। आप इसको प्लीज चेक करवा लो बेटे, हैं टेक्निकल पर्सन से। वी वी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। ये वी जो होता है इमेज का डिस्टेंस। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन मैंने पूछना है, देखते हैं सारी क्लासों में से कौन सा बच्चा इसका जवाब दे पाता है। दिस इज द ओपन क्वेश्चन, लेट मी सी कौन सी क्लास इसको जवाब दे पाती है। शाबाश। अगर मैं लीनियर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन आपसे पूछूं, डेफिनेशन स्मॉल एम का, हु विल डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन। शाबाश, ओपन क्वेश्चन टू एवरी सर क्लास। रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रॉन्ग हो गया बेटे। और कोई बच्चा? सर द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ये कौन सा बच्चा था, कौन सी क्लास में? किस सर सेवंथ संदीप जी 7B। बी इज द विनर, सेवंथ बी संदीप बच्चे ने सारी क्लासों में। समृद्धि समृद्धि, सॉरी बेटे प्रॉपर नेम नहीं सुना, समृद्धि मेक दी सेवंथ बी क्लास एज द विनर फॉर द बेस्ट क्वेश्चन। शी हैज क्लियरली डिफाइंड दैट लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू दी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लिख लो सारे बच्चे अगर नहीं लिखा। शाबाश, सर लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, ऐसे फार्मूला लिखो पहले, लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, एवरीबॉडी प्लीज, लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो बच्चे आगे बढ़ेंगे हम। शाबाश, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये था हमारा रिवीजन। अब हम देखेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम, एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन द हेड, रे डायग्राम। सबसे पहले मेरे बच्चे जानना चाहेंगे कि सर ये रे डायग्राम होता क्या है और इसका फायदा क्या है और इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रे डायग्राम होता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटे ध्यान से, पहले समझ लो फिर हम लिख भी लेंगे। रे डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसकी मदद से हम एक बोर्ड के ऊपर ऐसी डायग्राम बना सकते हैं जो हमें सिखाएगी ऑब्जेक्ट को पोल से कितनी दूरी पर रखने से इमेज पोल से कितनी दूरी पर बनेगा। फिर से सुनो, ऑब्जेक्ट को पोल से कितनी दूरी पर रखने से, यानी यू की वैल्यू कितनी रखने पर इमेज पोल से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी v की वैल्यू क्या होगी, उसको डायग्राम से दिखा सकते हैं। लिखो, व्हाट इज ए रे डायग्राम, व्हाट इज ए रे डायग्राम। आंसर, शाबाश, आंसर
मैंने किसका जवाब दिया? रे डायग्राम होता क्या है? लिखोगे, इट इज ए डायग्राम ड्रॉन अंडर सर्टन कन्वेंशंस, इट इज ए डायग्राम ड्रॉन अंडर सर्टन कन्वेंशंस एंड रूल्स, आर यू एल एस, ड्रॉन अंडर सर्टन कन्वेंशंस एंड रूल्स कॉमा विद द हेल्प ऑफ विच, शाबाश सभी बच्चे लिख लो बेटे, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन जज दी पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज, वी कैन जज दी पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज इफ वी नो दी इफ वी नो दी पोजिशन एंड साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, इफ वी नो दी पोजिशन एंड साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट कॉमा विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। बेटे ये मिलनी नहीं है डायग्राम्स, कहीं आप सोचो इधर से देख लेंगे, बुक से देख लेंगे, मिलनी नहीं है इतनी बड़ी डायग्राम। पर ये फॉर डेफिनेशंस, विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ दी स्फेरिकल मिरर, मैं नोट कर रहा हूं बेटे कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा नहीं लिख रहा, कैमरा में सब कुछ दिख रहा है, मैंने पर्टिकुलरली फोटो खींच के आपके क्लास टीचर और प्रिंसिपल को व्हाट्सएप कर देनी कि ये पर्टिकुलर बच्चा नहीं लिख रहा, कहना नहीं मान रहा, फिर वो एक्शन होएगा बेटे अब। ओके okay. तो रे डायग्राम में टीचर ने यह बताया ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूरी पर रखने पर इमेज कितनी दूरी पर बनेगा और इमेज का साइज क्या होएगा ऑब्जेक्ट का साइज पता होने पर, लेकिन यह डायग्राम सर्टन रूल्स के द्वारा कन्वेंशंस के द्वारा फॉलो की जाती। अब लिखोगे शाबाश, कौन सी ऐसी लाइट की प्रॉपर्टी है जिसको फॉलो करके रे डायग्राम बनती है? स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे एवरीबॉडी? लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। शाबाश शाबाश, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का बेस ऑफ दी इज द बेस प्रॉपर्टी ऑफ रे डायग्राम। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज द बेस प्रॉपर्टी ऑफ रे डायग्राम। तो टीचर ने यह भी बताया का इसको ड्रा करने के लिए कौन सी बेस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। अब टीचर बताएगा आपको बेटे कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिसकी मदद से रे डायग्राम बनती है। क्वेश्चन, व्हाट आर दी रूल्स टू ड्रॉ ए रे डायग्राम? व्हाट आर दी रूल्स टू ड्रॉ ए रे डायग्राम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर दी रूल्स टू ड्रॉ ए रे डायग्राम? पहले इसको समझ लो, ध्यान से सुनना बेटे, पेन रोक दो थोड़ी देर के लिए, रख दो, समझ लो, शाबाश। दो तीन बातें हैं, पहली नॉर्मल हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में बताऊंगा। पहली बात, अगर ये हमारा मिरर है और हमारी इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस याद है ना, पोल के ऊपर स्ट्रेट लाइन जाती थी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, कल करा था, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, पैरेलल मैंने समानांतर दूरी, जैसे ये दोनों मेरी फिंगर्स इस वक्त पैरेलल है, दोनों फिंगर्स इस वक्त पैरेलल है मेरी, अब नॉन पैरेलल है। तो अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइट जाएगी
वो स्फेरिकल मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद, फोकस में से वापिस गुजरेगी, फोकस से आते हुए रिटर्न होगी, फोकस से गुजरते हुए रिटर्न होगी। पहला पॉइंट फिर से बताऊं, इफ द इंसिडेंट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, इट रिटर्न्स एंड पासिस थ्रू द कैपिटल एफ पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई लाइट जाए ही फोकस के थ्रू, मिरर पे टकराने से पहले फोकस के थ्रू चली जाए, बाद में मिरर से टकराए, तब वो टकराने के बाद वापिस आते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। तो कोई बच्चा कहता है, सर ये तो पहले वाले रूल का अपोजिट हो गया, एक तरह से वाइस वर्सा हो गया। आई विल से यस, इफ द इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर गोज थ्रू कैपिटल एफ आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई बच्चा कहता है, सर राइट बना के दिखा सकते हो? बिल्कुल बना के दिखाएंगे, पहले आप एक बार सुन लो। तीसरी बात, थर्ड थिंग, वो क्या है, अगर कोई इंसिडेंट लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और मिरर से टकराएगी, सी के थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और मिरर से टकराएगी, तो वो सी से ही वापस आ जाएगी, सी से जाएगी, सी से वापस आएगी। ये थर्ड पॉइंट। लास्ट पॉइंट रूल्स का, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर गिरेगी, डायरेक्ट पोल के ऊपर, पी पॉइंट पर, तो पोल के ऊपर कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, उसके बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वापिस आ जाएगी। अब ये जो चार पॉइंट है, हम इसको लिख लें और साथ की साथ बना के देखे डाय। पहले लिखो, शाबाश शाबाश, मैं लिखा रहा हूं, हरी अप। नंबर वन, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉमा रिटर्न्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सेवंथ एफ में सबसे आगे वाला बच्चा लिख नहीं रहा, इसका नाम पूछना पड़ेगा मेरे को। सर प्लीज रिपीट द पॉइंट। आई एम रिपीटिंग, इफ द इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो बेटे ये पोल है और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान से समझ लो। और मान लो यहां पर फोकस है, और आपको पता है फोकस से एग्जैक्ट डबल डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बेटे। अब टीचर क्या कह रहा है, देखो यहां पर ऑब्जेक्ट है, मान लो बेटे दिस इज योर ऑब्जेक्ट साइज। Now the teacher is saying what? Try to understand. Incident light parallel to principal axis. Incident light parallel to principal axis. After striking on the mirror, gets reflected and returns through focus. देखो ध्यान से, फोकस में से वापस है, यही पॉइंट है फर्स्ट। इंसिडेंट लाइट पैरेलल प्रिंसिपल आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स थ्रू फोकस, प्रिंसिपल फोकस। सेकंड पॉइंट, देखो ये येलो लाइन वाली की इंग्लिश लिखाई आपको, गौर से देखो येलो लाइन। सेकंड पॉइंट बेटे,
अब मैं आपको ग्रीन कलर से दिखाऊंगा, ध्यान से सुनो, पहले समझ लो। इधर देखो, अगर लाइट फोकस में से ही गुजर जाती पहले लाइक दिस, कहीं भी लाइट हमारी देखो बेटे, क्या कमी क्या है, आपने कहीं भी रे ऑफ लाइट को टेढ़ा नहीं करना। अगर आपने टेढ़ा कर दिया तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन किल हो जाएगी। आपको रे ऑफ लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में रखना है, लाइक आई एम कीपिंग दी ग्रीन लाइट। लुक हियर, इट स्ट्राइक्स हियर। पहले कौन सी डायग्राम हमने बताई थी, पहले ये देखो फोकस में से कौन सी लाइट वापिस आई थी, हमने पहले करी थी येलो कलर वाली, वापिस आ रही थी स्ट्रेट लाइन। अब ये ग्रीन वाली जाके स्ट्राइक करी मिरर पर। इसका क्या खूबी होता है, इसका खूबी होता है बेटे, जब ये वापिस आएगी ना मिरर से टकरा के, तो व्हाइट वाली लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल आएगी। आप लिखोगे तो ये क्या वापिस कहां से आएगी बेटे, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो, ग्रीन लाइट इज रिटर्निंग पैरेलल टू व्हाइट लाइट, व्हाइट रे। इंग्लिश क्या बनेगी लिख लो, इंसिडेंट लाइट थ्रू फोकस, शाबाश, इंसिडेंट लाइट थ्रू फोकस ऑन स्फेरिकल मिरर कॉमा कॉमा आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स बैक, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो पॉइंट बताए अभी तक मैंने आपको। किसी बच्चे को याद है तीसरा पॉइंट क्या था? शाबाश, कौन बच्चा बताएगा मेरे को तीसरा पॉइंट क्या था? क्या बताया था तीसरा पॉइंट? अगर कोई लाइट सी के थ्रू जाएगी तो सी से ही वापस आ जाएगी, ये पढ़ा हमारा सी, राइट? तो टीचर क्या कह रहा है, राइट डाउन, एनी इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू, नहीं सॉरी, एनी इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट थ्रू, नॉट पैरेलल, इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉमा आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स बैक थ्रू सी, रिटर्न्स बैक थ्रू सी। शाबाश, सभी बच्चे देखें, हम इसको सेट कर दें डायग्राम को। क्या दिखाया टीचर ने इसमें? टीचर ये दिखाना चाहता है कि इंसिडेंट लाइट जो बिल्कुल सी से गुजरेगी और सी से ही वापस आएगी, राइट?
लुक एट दिस डायग्राम। अभी तक टीचर ने क्या बोला? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट, थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये डबल लाइन सिंबल होता है बेटे पैरेलल का। थर्ड पॉइंट, थ्रू सी रिटर्न्स रिटर्न्स थ्रू सी, सी से गई हुई लाइट सी से वापस आती है। और एक पॉइंट ठीक बचा, अब फोर्थ पॉइंट कौन सा बेटे? पोल के ऊपर जो लाइट गिरेगी वो क्या करेगी? उसको हम व्हाइट कलर से दिखाते हैं। देखो बेटे, पोल के ऊपर ध्यान से देखना, जो पोल के ऊपर लाइट जाएगी स्ट्रेट लाइन में, गौर से देखो, वो इस एंगल को मेजर करेगी, इस एंगल को, जिसको टीचर ने डार्क कर दिया, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बिल्कुल इसी के बराबर का एंगल बनेगा और ये लाइट यहां से गुजर जाएगी वापिस, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो कर रहा है टीचर। देखो नीचे वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और अगर मैं अच्छा दिखाने के लिए उसको, चलो अलग कलर से मैं उसको शेड करता हूं, येलो कलर से मैंने उसको शेड करा, किसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। एंड आई इज इक्वल टू आर, ये लिखो गया फोर्थ पॉइंट। शाबाश, लाइट एट इंसिडेंट एट पोल, एवरीबॉडी राइट डाउन, लाइट इंसिडेंट एट पोल कॉमा मेक्स एंगल आई इज इक्वल टू आर एंड रिटर्न्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड रिटर्न्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये चार रूल है बेटे, जिनको ये चारों रूल समझ आ गए उनको आपको रे डायग्राम आ जाएगा। आपकी अच्छी विजिबिलिटी के लिए मैंने सारे कलर अलग अलग दिखाए हैं। देखो ध्यान से देख लो बेटे एक बार फिर से, ब्राउन कलर से हमने, ऑरेंज कलर बोल दो या ब्राउन कलर बोल दो, इससे हमने क्या स्टडी करा? ऑरेंज कलर से हमने क्या स्टडी करा बेटे? देखो सी पॉइंट से गई, ऐसे गया एरो और वापिस एरो भी वहीं से दिखाया दे, सी से गई और सी से ही वापिस आ गई। यहां पर जो लाइट टकराती है जाकर सी वाली, वो 90 डिग्री का एंगल बना के टकराती है मिरर को और वहीं से वापिस आ जाए। ये सी वाला पॉइंट हमने टीचर ने ब्राउन कलर से बताया। अब देखते हैं एक और पॉइंट, वो कौन सा? व्हाइट वाला, लाइट इंसिडेंट ऑन द पोल मेक्स एंगल आई इज इक्वल टू आर एंड रिटर्न्स बैक। देखो फोर्थ पॉइंट टीचर ने व्हाइट कलर से समझाया डायग्राम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो लाइट फोकस के थ्रू जाती है उसको क्या होता है। ग्रीन कलर से मैं बताने लगा हूं, देखो इधर, जो लाइट इंसिडेंट करते वक्त फोकस में से जाएगी वो रिटर्न करते वक्त प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा बताया मैंने ग्रीन कलर से? सेकेंड पॉइंट, देखो देखो लिंक करो, सेकंड पॉइंट से ग्रीन कलर, थर्ड पॉइंट से ऑरेंज कलर, फोर्थ पॉइंट जो है बेटे वो हमारा व्हाइट बाउंड्री वाला। देखो जो जिस कलर की बाउंड्री है वही बता रहा है, और जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी बाउंड्री टीचर येलो कलर से बना रहा है, तो उसकी डायग्राम में जो रे दिखा रखी है वो भी येलो कलर से।
दिख रहा है बेटे, यस समझ आ गया? अब स्कूल, अगर मैं क्लास में होता आपके रेगुलर वहां पर और आपके हाथों में फोन होता, तो मैं सभी बच्चों को बोलता इसकी फोटो ले लो, ठीक है? पर फोन हमें अलाउड नहीं है क्लास में, इसलिए आपको, देखो आपके पास इतने कलर भी नहीं आएंगे मेरा ख्याल है आपके बॉक्स में, आगे से आप कलर्ड पेन लेकर आया करो। अब बच्चे कहते हैं सर इससे फायदा क्या है? ध्यान से सुनो रे डायग्राम का फायदा। आपने एक चीज नोट करा बेटे, ऑब्जेक्ट से चलने वाली सारी रेज एक ही पॉइंट से गुजरती हैं। देखो इस पॉइंट से गुजरती, नोट करा, सारी रेज इसी पॉइंट से गुजरती। और उसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमें ऑब्जेक्ट की टिप से चलने वाली चारों रेज 1 2 3 4 चारों की चारों वापिस आते वक्त इस पॉइंट पे गुजरती है और टिप से चल रही है ऑब्जेक्ट की। तो जहां से ये चारों रेज गुजरेंगी सिंगल कॉमन पॉइंट पर, वहां पर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसकी टिप बनेगी। ये बना दो इमेज, शाबाश, इसको बना दो इमेज। ये खास बात है। वैसे रे डायग्राम बनाने के लिए चारों रेज की जरूरत नहीं होती, किसी भी चारों में से किसी भी दो की जरूरत होती, किसी भी दो की। पर मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए चारों रूल बता दिए। आया समझ बेटे आपको? कोई बच्चा बोलेगा सर आपने इस इमेज का हेड नीचे को क्यों कर दिया, ऑब्जेक्ट का तो ऊपर को रखा है। तो मैं बोलूंगा बेटे ये चारों रेज ऑब्जेक्ट के हेड से चल रही हैं। अगर ये निडल होती तो निडल का ऊपर वाला किनारा, ये देखो, अगर निडल होती तो ये वाली चीज मैंने एरो से दिखाई, ऑब्जेक्ट इसका हेड ऊपर है, तो हेड से चलने वाली रेज जिस पॉइंट से गुजरेंगी रिफ्लेक्शन के बाद वहां हेड ही तो बनेगा। यहां से हमने क्या चीज नोट करी कि हमारा ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को मुंह करके खड़ा है, सीधा खड़ा है, अपराइट खड़ा है, इरेक्ट खड़ा है, जबकि इमेज उल्टा हो गया। उल्टा की इंग्लिश इनवर्टेड। ये कौन सा मिरर में डायग्राम शो करा आपको मैंने? कॉनकेव। ये इमेज का नेचर क्या हुआ? उल्टा है, इनवर्टेड। लिख लो नेचर ऑफ द इमेज क्या है बेटे, नेचर मैंने इसके गुण क्या है, इनवर्टेड। अगर मैं यहां पर हाथ रख दूंगा ना हाथ, तो ये इमेज हाथ के ऊपर बन जाएगा, इसका मतलब इस इमेज को टच किया जा सकता है। दूसरा इसका क्या पॉइंट आएगा, रियल इमेज बन गया। नेचर ऑफ द इमेज क्या है, इनवर्टेड रियल। अब सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए पेन डाउन कर दो, पेन रख दो, हाथ से छोड़ दो, टेबल पे रख दो, कुछ और बात समझानी है आप। देखो बेटे ध्यान से देखना, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, योर अटेंशन। बच्चा सोचता है सर ऑब्जेक्ट को मैं इधर कर दूं तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हिलाने से इमेज की पोजीशन भी हिलती है। पहली बात, ऑब्जेक्ट को हिलाने से इमेज की पोजीशन भी हिलती है। दूसरी बात, सब कुछ बताया जाएगा, ध्यान से सुनो, जितना जितना ऑब्जेक्ट कार्व्ड मिरर के नजदीक जाएगा कॉनकेव के, उतना उतना इमेज पीछे आएगा। ध्यान से सुनना, जितना ऑब्जेक्ट कार्व्ड मिरर के नजदीक जाएगा उतना उतना इमेज कार्व्ड मिरर से दूर हटेगा। और एक बात, ऑब्जेक्ट का साइज तो फिक्स है निडल का, लेकिन जितना ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक जाएगा उतना इमेज पीछे तो आएगा, पर साइज में भी बड़ा होता जाएगा। ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, इमेज पीछे मिरर से दूर हटेगा और साइज में बड़ा होता जाएगा। क्लियर? लिखो, शाबाश शाबाश, हरी अप।
as the object is moved closer to the pole, hurry up, everybody. As the object is moved closer to the pole, comma, comma, image moves away from the pole, image moves away from the pole, and size of the image also increases. Size of the image also increases. Clear? और क्या हमने इसमें सीखना है? थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं बेटे, ताकि ज्यादा कंजेस्टेड ना हो जाए। ये देखो चारों रूल्स मैंने साफ कर दिए हैं, डायग्राम को रखा हुआ है और अभी हेडिंग भी रखा हुआ है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। हम यहाँ पर नए लर्निंग पॉइंट सीखेंगे। क्या सीखा टीचर ने? ऑब्जेक्ट जो है अगर वो पोल की तरफ स्लिप करता है तो इमेज जो होता है वो पोल से दूर हटेगा। इफ देन, ये मैंने आपको सिखाया। और क्या बताया? जितना जितना पोल से दूर हटेगा इमेज, उतना उतना इमेज का साइज बढ़ता चला जाएगा। लिख लो, एज द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द पोल, इट्स इमेज साइज इंक्रीजेस। एज द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द पोल, इमेज साइज इंक्रीजेस। कोई बच्चा, अगला पॉइंट देखो बेटे, कोई बच्चा पूछते हैं कि क्या सर ये बराबर होएंगे कहीं पर, आपस में साइज में बराबर होएंगे? बिल्कुल होएंगे, सी पॉइंट पर जाके बराबर हो जाएंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट स्लिप करता 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर खड़ा हो जाएगा तो इमेज भी बड़ा होता होता सी के ऊपर ही आ जाएगा। दोनों एक ही सीध में आ जाएंगे, दोनों एक ही सीध में आ जाएंगे और बराबर के साइज के आ जाएंगे। फिर से सुनो, ऑब्जेक्ट आगे गया आगे गया आगे गया और इमेज पोल से दूर हटा और बड़ा होता गया, और सी पर आते ही ऑब्जेक्ट सी पर आ गया, इमेज भी सी पर आ जाएगा, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे और इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो जाएगा। लिखो, शाबाश। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, द ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज बिकम्स इक्वल, ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज बिकम्स इक्वल एंड दे कम इन द सेम वर्टिकल लाइन, दे लाई इन द सेम वर्टिकल लाइन, सेम पोजीशन मतलब। बॉक्स में लिख दिया टीचर ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये दोनों बराबर और सेम वर्टिकल लाइन में आएंगे। तो बच्चा कहेगा सर जब ये इनकी दूरी दोनों ही सी पर बनते हैं तो पोल से बराबर की दूरी पर आ गया ना ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, तो क्या हम u इज इक्वल टू v कह सकते हैं यहां पर? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है तो साइज भी बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है तो साइज भी बराबर होता है। साइज जितना ऑब्जेक्ट ऊपर उतना ही इमेज नीचे, और दोनों की दूरी बराबर हो जाएगी पोल से। u इज इक्वल टू v होने पर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर होता है। तो कोई बच्चा कहेगा सर ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा कब होता है? ये देखो, जब जब यू की वैल्यू लार्जर होगी वी की वैल्यू के मुकाबले, इमेज की डिस्टेंस को वी बोलते हैं, पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू बोलते हैं। तो आप लिखोगे ऊपर वाले पॉइंट पे, तो आप बोलोगे
ऑब्जेक्ट साइज इज ग्रेटर देन इमेज साइज इफ यू इज ग्रेटर देन वी. लिख लो हरि. ऑब्जेक्ट साइज इज ग्रेटर देन इमेज साइज इफ यू इज ग्रेटर देन वी. एवरीबॉडी आगे सुनो ध्यान से. अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं इस ऑब्जेक्ट को सी से भी आगे ले जाऊं तो मैं सी से भी ऐसे स्लिप करते 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे ले जाऊं तो तब मैं कहूंगा इमेज और सी से और ज्यादा इधर को खिसक जाएगा, पोल से और भी दूर हो जाएगा और तब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाएगा. लिखो शाबाश शाबाश. और सभी बच्चों को पता है ना सी तक कौन सा डिस्टेंस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो टीचर क्या कहना चाहता है कि जब यू की वैल्यू आर से भी छोटी हो जाए ऑब्जेक्ट को आगे स्लिप करते जाओ, जब यू की वैल्यू आर से भी छोटी हो जाए तो वी की वैल्यू आर से बड़ी हो जाएगी और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले बड़ा हो जाएगा. लिखो एवरीबॉडी ध्यान से लिख लो, आज का लेक्चर थोड़ा मुश्किल है. लिखो इफ यू इज लेस देन कैपिटल आर देन वी बिकम्स लार्जर देन कैपिटल आर एंड इमेज साइज बिकम्स ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज. इमेज साइज बिकम्स ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज. अब एक बच्चा मेरे से पूछता है दूसरे सेक्शन में कि सर ये प्रोसेस कब तक रहेगी जारी, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है 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 और इमेज पीछे आ रहा है बड़ा होता जा रहा है बड़ा होता जा रहा है बड़ा होता जा रहा है, ये कब तक जारी रहेगी ये बात. मैं ऑब्जेक्ट को कहां तक ले जा सकता हूँ, एफ तक ले जा सकते हो, इससे आगे नहीं. ये जो प्रोसेस है ऑब्जेक्ट के आगे पास लाने से इमेज का पीछे खिसकना और साइज में बड़ा होना कहां कहां तक लागू है. योर अटेंशन, जब तक ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल फोकस तक पहुंचे, उससे आगे मत जाए, एफ से आगे नहीं गुजरना चाहिए पी की तरफ. लिखो एज ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर टू द पोल. लिखो लिखो शाबाश बेटे. एज ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर टू द पोल एंड इट रीचेज टिल एफ, एंड इट रीचेज टिल एफ कैपिटल एफ. सेवंथ बी के बच्चे सीरियस नहीं है, टीचर इज रिक्वेस्टेड टू कंट्रोल. फ्रंट डेस्क पे चार गर्ल्स नहीं पढ़ रही. फर्स्ट लाइन एज ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द पोल टिल एफ देन इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द पोल. इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द पोल एंड इट्स साइज इंक्रीजेस, एंड इट्स साइज इंक्रीजेस. एक पॉइंट और लिखो. इन ऑल दीज सिचुएशंस इमेज इज टचेबल एंड देयरफॉर इज रियल. इन ऑल दीज सिचुएशंस इमेज विल बी टचेबल. टच कर सकते हैं हम, कागज रखेंगे उस पे इमेज बनेगा, उंगली से टच कर सकते हैं. इमेज इज टचेबल एंड देयर फॉर इट इज रियल. एक और पॉइंट लिखो नेक्स्ट. इन सारी सिचुएशन में इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लटका हुआ मिलेगा, यानी कि उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करा था हमने, इनवर्टेड. लिखोगे इन ऑल दीज सिचुएशंस इमेज विल बी इनवर्टेड. इमेज विल बी इनवर्टेड. अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे. लास्ट पॉइंट सर तब क्या होएगा अगर इस ऑब्जेक्ट को क्लोज करते करते हम एफ से भी आगे निकल जाएं, यहां निकल जाएं, एफ से आगे पोल पोल की तरफ निकल जाएं तो क्या होएगा. ध्यान से सुनना. तब जैसे ही ये पॉइंट ऑब्जेक्ट स्लिप करता 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 पोल से भी आगे सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से भी आगे निकल जाए
बस थोड़ा सा पॉइंट ऑफ अटेंशन, प्रिंसिपल एक्सिस से भी आगे निकल जाए, तब उस सिचुएशन में ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात आई है वाली, जब ऑब्जेक्ट मूव करते करते फोकस से भी आगे चला जाए पोल की तरफ, तब इमेज मिरर के पीछे चला जाता है और ऊपर को मुंह करके खड़ा हो जाता है और साइज में बड़ा हो जाता है, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, वो रियल नहीं रहता, वर्चुअल बन जाता है। वर्चुअल ऐसे लगता है मिरर की बैक साइड पर इमेज है, लेकिन अगर अगर अपने फ्रेंड को बैक साइड पर भेजें इमेज मिरर के और उससे पूछें क्या पीछे इमेज बना है, वो कहेगा मिरर के पीछे तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखाई देता है होता नहीं है। जबकि ये इससे पहले वाले जो केसेस थे जिसमें इमेज उल्टा बना हुआ था, वो दिखाई भी देता है, होता भी है, रियल भी होता है, टच भी कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार स्टार लगा के लिखना इसको, इफ शाबाश, इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ, इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ, ऐसे बेटे एक तरफ पी पॉइंट, एक तरफ एफ पॉइंट और बीच में ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ देन शाबाश इमेज विल बी वर्चुअल, वर्चुअल के स्पेलिंग इमेज विल बी वर्चुअल, रियल का अपोजिट होता है, और दूसरा इमेज विल बी मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा हो जाएगा साइज में, इमेज विल बी मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट के मुकाबले काफी बड़ा हो जाएगा, और लास्ट में इमेज विल बी इरेक्ट, उसका हैंड ऊपर को आ जाएगा, इरेक्ट के स्पेलिंग सीधा हो जाएगा, ई आर ई सी टी इरेक्ट, इरेक्ट को अपराइट भी बोल सकते हैं। और खास बात, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, नीचे नहीं लटकेगा, एंड इट विल बी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। चार पॉइंट बताए, इमेज विल बी वर्चुअल, मैग्निफाइड, इरेक्ट एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने रे डायग्राम के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें देखी, और आप कल इसकी ये M2 वाली असाइनमेंट घर से करके आओगे, अब सारा आपको आपको होना चाहिए आपसे। आज का लेक्चर समझ आया बेटे? वेव योर बोथ हैंड्स, शाबाश। अगर आज का बोल लेक्चर भी समझ आया, ये बहुत मुश्किल लेक्चर था, पर फिर भी मैंने आपको स्लो स्लो करके बताया। थैंक यू फॉर ऑल द टीचर्स फॉर मेंटेनिंग सो गुड डिसिप्लिन इन एवरी क्लास। मैं अप्रिशिएट करूंगा इस स्कूल को कि टीचर्स इतने कोऑपरेटिव हैं मेरे, सो नाइस ऑफ यू। सभी बच्चों को शाबाश, अगली बार मिलते हैं, थैंक यू।